मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूँ, पूरी दुनिया अहले सुन्नत के पास डॉक्टर जलाली साहब का सानी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन्नल हमदलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم। درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله। है जब तक दम में दम बाकी, अकीदा पाक रख अपना। है जब तक दम में दम बाकी, अकीदा पाक रख अपना। वगरना रोज़े महशर आह हसरत है। मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से, कि इस ज़माना में फितना फसाद की कसरत है। कोई मर्जई खारजी राफजी लेकन, खुदा का शुक्र है कि मोमिन फ़क्त अहले सुन्नत हैं। तमामी अवलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमात में। इस जमात पर खुदा का दस्त रहमत है। हम्दुसलात के बाद मुक्तदर सादात इकराम मशाइखे उज़्ज़ाम, उलमाए मिल्लत, साहिबान मोहब्बत व मवद्दत, आशकान रसूल, उलमान असहाब रसूल, वबस्तगान दामन आल रसूल, अजीम शान तारीखी लब्बैक इस्लाम कॉन्फ्रेंस में हम सब हाजिर हैं। ये मरकज़ नूर है, अहले हक जमा हैं, और ये मरकज़ी ऐसा है, अगर गौर करें तो नाम ही सिरात मुस्तकीम है। इसके बड़े गहरे मैनी हैं। बहुत बारीकी में सोचें तो बहुत कुछ आप पा सकेंगे। तो यकीनन हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे पूछा गया कि दुनिया में पुल सिरात की मिसाल कोई है, तो आपने फरमाया है। बहुत बड़ा कद है मुफ्ती अहमद यार का, कोई छोटा मर्द नहीं, बहुत बड़ी हस्ती। फैजान आला हजरत का ठाठे मारता समंदर, ये लफ्ज नहीं हकीकत है, जिसे दुनिया हकीमुल उम्मत कहती है। पूछा गया कि दुनिया में पुल सिरात की मिसाल है, तो फरमाया है। तो अर्ज की गई कि हुजूर वो क्या है, फरमाया वो सिरात मुस्तकीम है। पहले पुल सिरात वो मुश्किल कितना है, बारीक कितना है, वो जहन में बंदे को रखना चाहिए। और फिर फरमाया कि वो सिरात मुस्तकीम है, पता चला आसान काम नहीं यहां पे चलना, ये अल्लाह के फजल से ही मुमकिन है कि बंदा गुमराही से महफूज रहे, सही अकीदे पर कायम रहे। अगला फैसला सुनो, दिल ठंडे हो जाएंगे। हुजूर मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि दुनिया में पुल सिरात की मिसाल सिरात मुस्तकीम है, और सिरात मुस्तकीम का नाम अकीदे अहले सुन्नत व जमात है। जी, तो अकीदा की अहमियत
अब वक्त नहीं कि मैं अर्ज करूं, अकीदा के बगैर कुछ भी नहीं। अमल की हसीयत भी है तो अकीदे के साथ। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपसे अर्ज करता हूं कि एक बंदा नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है या अपने हिसाब से इबादत भी करता है, सिर्फ हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, तो आपका क्या फतवा है? बोलिए, डीले ना बोले। ये लादा बात है कि तबीयत अलील है, लेकिन जिस जज्बे और मोहब्बत से हम आए हैं वो हमेशा जवान रहेगा। हाँ जी, तो वो कौन है? बोलिए, काफिर। नमाजें, इबादतें, खिदमत खल्क, सब कुछ। क्यों? उसका बिगाड़ अमल में आया या नजरिए में आया? अकीदे में बिगाड़ आया ना, तो अकीदे का बिगाड़ तबाह कर देता है हर शेय। अकीदे की खराबी हर चीज बहा के ले जाती है। हजारों साल की इबादतें हों, जर्रा बराबर भी नजरिए में खराबी आ जाए तो बंदे का सब कुछ चला जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो उस एतबार से मैं ये बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। बाज लोग आज ना भूल जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि अहले सुन्नत की रगों में अदब है। अहले सुन्नत अदब का नाम है। अहले सुन्नत की आंखों में सबसे ज्यादा हया है, लेकिन इस मामले में आकर बाज दफा वसवसों का शिकार हो जाते हैं। जी ये शाजी है, ये शाजी है, ये शाजी है। मैंने कहा एक एक शाजी नाम का शाजी अगर मर्जई हो जाए तो क्या फतवा है? नबी का बेटा है, नबी का बेटा, नूह अलैहि सलाम का सगा बेटा है। इन्नहु लैसा मिन अहलि, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। फरमाया कि ये तेरा नहीं। आगे वजह भी बयान कर दी कि ये तेरा नहीं। नबी का सगा बेटा हो, अकीदा खराब हो जाए, नजरिया खराब हो जाए, तो अल्लाह फरमाता ये तेरा नहीं। तो 1400 साल के बाद वो शाजी कौन है? वो कौन से शाजी हैं? वो कैसे शाजी हैं? शाजी वही है जिसका नजरिया ठीक है। शाजी वही है जो बड़े शाजी का हया करते हैं। तो इस एतबार से मुक्तदर सामी नजरात ये चीज वाजे रखें, अकीदे अहले सुन्नत है तो सब कुछ है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। और आज मैं सिर्फ इतनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब क़िबला पर जो आजमाइश है, इस अल्लाह के वली पर, अल्लाह के इस मुकर्रर बंदे पर एक आजमाइश है। लेकिन ये याद रखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जब ये ताकतें दबाती हैं तो फिर मुख्तलिफ तरीकों से दबाती हैं और फिर आखिर पर आकर ये जंग लड़नी पड़ती है कि इनको दबा दो, ये बात नहीं मानता, इसको जेल में डाल दो। तो ये फिर आखिर पर इसाबी जंग होती है। डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली जिसका नाम है, सुन्नियत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, खारजियत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, राफजियत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बातिल फिरके सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। अशरफ आसफ जलाली की तकलीफ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के खारजियों को दर्द है, पूरी दुनिया के राफजियों को दर्द है। आप क्या समझते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया सेमिनार करना ये छोटा दर्द है? मसले ईमान अबी तालिब पर दलाइल के साथ बात करना ये कोई छोटा दर्द है? ये सारे के सारे पिछले दर्द आज इकट्ठे हैं और
ये कट्ठी ये सारे के सारे जो मसाइल हैं उस वजह से आज इस शख्सियत को दबाया जा रहा है। लेकिन याद रखें ये शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कटारे अहले सुन्नत में जितने लोग आज गिरफ्तार हुए हैं आपको समझ नहीं कि इन लोगों ने अपना नुकसान क्या कर लिया है। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है ये खुद सोचेंगे क्या हो रहा है। तो इस एतबार से मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो। और इस एतबार से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, शेर-ए- सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद नक्शबंदी कोटवी साहेब, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ। माशाल्लाह कोटला शरीफ के दोनों चश्मो चराग और दोनों ये चांद कितने प्यारे लगते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, अल्लाहु अकबर। बुजुर्गों की ज़ियारत भी करें और तशरीफ रखें, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा मोहम्मद से कह दो हर सहाबी नबी, मुझे थोड़ी आवाज लग रही है या वैसे मुझे वहम है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, कसवटी है ये कसवटी, हर सहाबी नबी, ये हर पे मसला है, हर पे मसला है, सहाबी नबी पे जन्नती पे मसला नहीं, हर पे मसला है। थोड़ा सा वक्त होता तो मैं इसे खोलता, ये हर पे मसला है। ये जो कहते हैं कि हम भी सहाबा को मानते हैं जी, हम भी जी सहाबा को मानते हैं जी, सारे सहाबा को मानते हैं, ये हर का मसला है। हर बोल, अगर तुझे दर्द नहीं तो हर, अगर तुझे दर्द नहीं तो बोल हर, और जब हर बोला जाएगा तो फिर दर्द आपके आपको पता चल जाएगा कि किसके चेहरे पर है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो, ये जो बोला गया है तो फिर इस इसकी आवाज कहां कहां से आई है आपको पता है, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए मोहब्बत के साथ आप ये आप जवाब तो सुभान अल्लाह देते हैं, हर सहाबी नबी, लेकिन आप इस अंदाज से जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो इस एतबार से आप फिक्रमंद ना हो, परेशान ना हो, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं आप सब की जिम्मेदारियां हैं कि हमने क्या करना है, आवाज बुलंद करनी है, दीगर जो हुक्म होगा क़यादत का वो बिल्कुल उसमें सुस्ती नहीं करनी, लेकिन परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अनकरीब वो मर्द हुर आपके सामने होगा, ठीक है। ये झूठी तसल्ली नहीं, अल्लाहु अकबर, मैं हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरी बात आपके सामने ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त सारी दुनिया की कुव्वतें, ये आप समझ रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जेल में हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान का या पंजाब में मसला है, नहीं, आपको पता नहीं कि इस मर्द की दर्द कहां कहां है लोगों को और कहां कहां से दबाव है और क्या क्या हो रहा है, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए अल्लाह पाक फजल फरमाए, तो ये एक जंग है, इसाबी जंग है, कुव्वत के साथ उस मर्द हुर ने वो जो रास्ता अपनाया है सुभान अल्लाह, एक अजीमत का रास्ता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अपना काम कीजिए, जब आवाज आए तो बिल्कुल खड़े हो जाइए, सफ़े बना लीजिए और जो भी आवाज आए उस पर लबैक कहिए, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम सच और झूठ आपको सामने नजर आ रहा है और बड़े बड़े अल्लाह अकबर जल्ला शानो आपको स्टेजों को क्या कुछ नजर आ रहा है, हीरो कौन थे और जीरो कौन हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, कैसे आज गिरफ्तार हो चुके हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो सब आपके सामने है। तो इस एतबार से अल्लाह पाक
डॉक्टर साहब किबला का साया अहले सुन्नत पर तदेर दराज फरमाए। और मैं सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। मुझे अपनी कब्र में जाना है और मैं अपनी कब्र को सामने रखते बिल्कुल किसी शख्सियत का साथ नहीं, ये हक का साथ है। मैं सच्ची बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं और मैं हर नमाज में तहज्जुद समेत ये दुआ करता हूं, या अल्लाह एक तो मेरी जुबान पर आखिरी वक्त कलमा जारी हो और आखिरी दम तक हक का साथ हो। यह हकीकत अर्ज कर रहा हूं और ये हक का साथ है। और अब पूरी दुनिया के अंदर जितने संजीदा फिक्र उलमा हैं, बिलअमूम पूरी दुनिया के अंदर और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जितने भी संजीदा अहले हक उलमा हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर साहब किबला के साथ हैं। ये इलादा बात है कि कुछ बोलते हैं कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलते हैं कुछ बोलते, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो इस एतबार से बिल और उसको मैं आपके सामने एक दलील रख देता हूं, उसको कोई जवाब दे, एक मसला लिखो मियां साहब किबला तशरीफ, एक मसला लिखो, यही मसला लिखो, ऐसे धारे मारने से काम नहीं चलता। फजाइल फजाइल फजाइल, और फजाइल का मुनकर कौन है? नफ्से मसला पर तुमने कितनी तकरीरें की हैं, कितने दलाइल दिए हैं तुमने नफ्से मसला पे, क्या किया तुमने? कन्फ्रेंस से कर करके फजाइल, फजाइल का कौन मुनकर है? इस मर्द की खुद कितने सैकड़ों तकरीरें सैयदा ज़हरा पाक के फजाइल पे मौजूद है। दरसे हदीस में जो मर्द कह रहा है कि जब हाथ काटने की बारी आए तो सैयदा पाक का नाम भी ना लो, दरसे हदीस में खुद फरमा रहे। अल्लाह फजाइल की बात नहीं, यहां नजरिए की बात है, अकीदे की बात है। नफ्से मसला पर 1400 साल से जो नजरिया अहले हक का है वही नजरिया डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का है और वही उन्होंने बयान किया है। और फिर मुक्तदर सामी नजरात तमाम उलमा से मसला पूछे, शयूखुल हदीस से मसला पूछे, फुकहा से मसला पूछे, लिख के आप पूछे, आप अवाम है ना बैठी मसला लिखे, किसी मुफ्ती से पूछे, ऐसे मुफ्ती ना हो, मुफ्ती से पूछे जो सही मानों में मसनद इरशाद पर तशरीफ फरमाए, सही मानों में उससे मसला पूछे, फतवा फिर आप नेट पर शाया कर दें। आज तक फतवा लगा क्यों नहीं, फतवा क्यों नहीं लगा? और मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जितने रज़वी लिखाने वाले हो ना, जितने रज़वी लिखाने वाले हो, तुम तो तुमको तो अब चुप नहीं रहना चाहिए। ओए रजा नाम चुप रहने वालों का है, चुप रहने वाले रजा वाले हैं, रजा वाले चुप नहीं रहते। और रज़वी भी अब बोले, मेरा किसी खास रज़वी की तरफ इशारा नहीं, हमारा इख्तलाफ अकीदे का मौजूद है, खुदा के मसले पर लफ्ज खुदा पर दीगर इख्तलाफात हमारे बिल्कुल अकायद के मौजूद हैं। और मैं वाज़ह तौर पर कह रहा हूं, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो, बात जब इत्तेहाद की होती है तो कोई उस पर कोई ये वसवसा ना दे। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि रज़वी को अब क्या मसला है, पाकिस्तान में रज़वी है या इंडिया में रज़वी है या जहां भी रज़वी है, जो रज़वी है उसे क्या मसला है, क्या मसला है जब बरेली शरीफ से फतवा आ गया, अब दर्द क्या है, क्या दर्द है आप? तो चुप क्यों हो? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। बड़े बड़े शाहजोर हजारा दुनिया अंदर आए, जद पैगाम मौला दा मिले बिस्तर जाड़ उठाए, और किसे नाल वफा न की इस दुनिया बेतबारी, बड़े बड़े लोग सो गए हैं, तूती जिनके बोलते थे वो सारे सो गए। बोल पड़ो हक के साथ, बोल पड़ो हक पर, बोल पड़ो हक का साथ दो, इस जहां में भी तुम्हारे नारे लगेंगे, अगले जहां में भी तुम्हारे नारे लगेंगे। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इंशाअल्लाह हमेशा बोल वाला हक वालों का होता है, सच वालों का इंशाअल्लाह तबारक व तआला बोल वाला होता है। ये देखें जितने चेहरे हैं, कुछ तशरीफ फरमा अल्लाहु अकबर हैं, तशरीफ ले गए हैं, अल्लाहु अकबर, कैसे कैसे ये मर्द हैं और कैसा नूर है। तो इस एतबार से मुक्तदर साहबीन हजरात, मुझे ये पैगाम आपके सामने ये रखना है कि इस एतबार से जर्रा बराबर भी डोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोलने की जरूरत है।
ठीक है, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इस एतबार से, और एक और बात भी अर्ज करके बिल्कुल इजाजत चाहूंगा, इस मर्द को अल्लाह तबारक व ताला ने ये शान और अजमत अता फरमाई है कि इस मर्द के डट जाने की वजह से आज गली गली में, गली गली में अली अली भी हो रहा है और नगर नगर में अबू बकर बकर। आप देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर जल्ला शानहु। लेकिन आज कुछ लोग इसे मिसयूज करना चाहते हैं और इस एतबार से इस स्टेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिरका वरियत को हवा देने के लिए ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बुरों से महफूज फरमाए, अल्लाह हमेशा अहले हक का हमें साथ देने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों में, दुआओं में और तहज्जुद में, अपनी इबादतों के बाद दुआओं में जलाली साहब की बिला के लिए खुसूसी दुआ करें। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूँ, पूरी दुनिया अहले सुन्नत के पास डॉक्टर जलाली साहब का सानी कोई नहीं। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।